हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन बिहार वाला पे। तो दोस्तों आज मैं निकलने वाला हूँ नवादा सिटी के नाइट व्यू पे, आपको दिखाने वाला हूँ। आज का ब्लॉग काफी यूनिक होने वाला है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग लगभग 30 ब्लॉग अभी तक बना चुका हूँ, तो आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं जो नवादा सिटी का व्यू है नाइट में आखिरकार कैसा होता है रेंडमली, मतलब सब जगह जाने वाला हूँ। जो नवादा का हाईलाइटेड जगह है सब जगह आपको दिखाने वाला हूँ जाकर, और अच्छे उसके बारे में बताने भी वाला हूँ। तो भाई जो चैनल पे न्यू है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो स्पेशली रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अभी और अच्छे अच्छे ब्लॉग और रेगुलर कंटेंट मैं डालता रहूं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं नवादा के नाइट व्यू आप लोग को दिखाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नमूने से मिलाऊंगा यार, थोड़ा सा यार तू बोलना, देखना इसको मैं ये कैमरे के पीछे बहुत बोलता हूँ, बट देखते भाई ये नमूना है, मतलब काफी फनी बच्चा ये है। वो तू बोलना चैनल पे नहीं होता, देख सकते भाई ये भाग गया है। तो भाई लोग फाइनली हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ ITI के पास आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं सीधा निकलने वाला हूँ मेन रोड के साइड, मतलब प्रजातन चौक द्वार के साइड। तो अब यहाँ से निकलते हैं वापस। फाइनली हम निकल चुके हैं नवादा की सड़कों पे। अब आपको यहाँ रेंडमली मतलब सब जगह मैं यहाँ पे आपको लेकर जाने वाला हूँ, तो और बताने भी वाला हूँ कहाँ पर क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ITI से मैंने स्टार्ट किया है, अब आपको मैं पूरा नवादा का मतलब रात में देख सकते हैं यहाँ पे। ITI से जैसे ही आगे बढ़ेंगे नवादा के प्रजातंत्र द्वार के साइड, तो आपको जैन मंदिर का गेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेकेंड गेट देख सकते हैं अंदर आपको जैन मंदिर दिख रहा होगा। तो ये रहा जैन मंदिर, रिसेंटली ब्लॉक जैन मंदिर पर ही बना था, आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो अभी मैं फिलहाल आ गया हूँ गुनावा का, यहाँ बोर्ड दिख रहा था काली मंदिर का। तो देख सकते हैं यहाँ से जो इस साइड जो रोड है राइट साइड का जिधर जाता है वहाँ से आप लोग जा सकते हैं जल मंदिर के अंदर की ओर, और यहाँ पे ही रोड पे ही पड़ता है काली मंदिर जो कि आप लोग को दिख रहा है, ये रहा काली मंदिर। भाई नवादा पहले से बहुत चेंज हो गया है, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने भाई को सपोर्ट दिखाना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमें यहाँ पर DM कर सकते हो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलता रहे। नवादा जिला और बिहार का एकता का प्रतीक संकट मोचन, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे नवादा में और बिहार में, आप देख सकते हैं यहाँ पे रहा संकट मोचन। साइड में पड़ता हुआ है जलाल बाबा का मस्जिद, तो हिंदू और मुस्लिम का नवादा में एकता का प्रतीक यहाँ पे दिखाता है। तो चलिए, अब मैंने पहले ही आपको बात कर रहा था कि देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बहुत सारा शोरूम है जो कि नवादा में आपको इसी रोड में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैक बेरीज का ले लो, और यहाँ पे टाइटेन मतलब जो वॉच का होता है उसका शोरूम है देख सकते हैं यहाँ पे आप, पीटर इंग्लैंड का ये रहा देख सकते हो आप लोग, सबका शोरूम इधर ही आ गया। अगर आप ब्लॉक इस साइड देख सकते हो ब्लॉक, और बिहार में बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉनिक ले लो जो भी सामान ले लो, तो देख सकते हैं आदित्य विजन ये रहा यहाँ पे, आदित्य विजन बहुत ही फेमस है हमारे बिहार में, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में इसका एक स्टोर है। अभी मैं आ गया हूँ भाई मंगर बिघा, तो मंगर बिघा देख सकते हो राइट साइड में पेट्रोल टंकी यहाँ पे है, कर रहा है वादा वालों को न्याय मिलता है, फिलहाल तो नाइट में बंद रहता है, ये आप लोग देख सकते हो। ये रहा भगत सिंह चौक सामने पड़ता है, तो यहाँ से इधर जो रोड जाता है वो जाता है गांधी इंटर स्कूल के साइड राइट साइड में जो, और ये सीधे आप चले जाएंगे तो चला जाएगा प्रजातन चौक की ओर, और जिधर से मैं आ रहा हूँ ये सीधा पटना रांची रोड, और ये रहा बिहार से और पटना बस स्टैंड आप दोनों से बोल सकते हैं, बस आपको मिलती है पूजा तभी बंद है। ये रहा तो देख सकते हो नवादा का सबसे फेमस कृष्णा केक पैलेस, इधर रहा नारद संग्रहालय आप लोग देख सकते हो, ये रहा और बर्गर किंग के पास देखो कितना दूर है। मैं भी यहाँ जब भी आता हूँ खाने का कुछ मानो तो कहीं पर आता हूँ, तो ये बर्गर किंग रहा बहुत भीड़ रहता है, नेपाल वाले लोग रहते हैं आप नेपाल के लोग जो भी मिस्त्री सब बनाते आए भाई यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप हरिश्चंद्र स्टेडियम के साइड यहाँ का टेम्पल भी आपको देखने को मिला बहुत ही फेमस है जी मंदिर जय माता दी। अब मैं आ चुका हूँ प्रजातंत्र चौक नवादा का दिल,
जैसे दिल्ली का दिल इंडिया गेट है कनॉट प्लेस, वैसे नवादा का दिल। तो ये रहा नवादा का पर्यटन चौक और सामने हो जाता है डीजे मार्केट। तो नाइट का व्यू देख सकते हो आप लोग, और यहाँ का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है नवादा में, क्योंकि यहाँ से आप पूरे नवादा से चारों साइड या सीधे जा सकते हैं। पुल पार यानी पार नवादा, इधर मैं अभी जाऊँगा, इधर स्टेशन रोड इधर जाता है हॉस्पिटल रोड, और जिधर से मैं आया हूँ हो जाता है पटना रांची रोड सीधा आईटीआई की ओर जाता है, और ये डीजे मार्केट की ओर जाते हैं। हिसाब से ये भाई देखो कितना अच्छे से सजा रखा है, पता नहीं मेरे झोले घर है क्या ही नज़ारा है, मस्त लग रहा है। तो मैं हॉस्पिटल रोड से मैं एंट्री ले चुका हूँ, तो यही तो हमें बिहार में प्रमोट करना है यार। क्या ब्लॉग का मतलब क्या होता है, मैं बिहार में ही तो करना चाहता हूँ, बिहार ही बहुत जगह जो लोग नहीं जाना चाहते, मैं अपने हिसाब से जो भी हो सकता है मैं कर सकता हूँ। तो ये आ जाता है, इधर आप पुरानी जेल रोड जा सकते हो आप लोग, यहाँ से आप पुरानी रोड जेल रोड और हरिशन स्टेडियम नवीन नगर दो जा सकते हो। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल रोड के नाम से फेमस है, तो हॉस्पिटल भी तो रहना चाहिए ना। तो हॉस्पिटल इस साइड पड़ता है, देख सकते हो पानी टंकी हॉस्पिटल के अंदर ये है, और गेट अभी आने वाला है दिखाते हैं आपको। सदर अस्पताल नवादा सौजन्य डॉक्टर राजा राम पासवान, ये हॉस्पिटल का गेट। तो फिलहाल इसके अंदर नहीं जाएंगे, रैंडमली मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा, इधर का न्यू बिल्डिंग अभी बन रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास अभी होना है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल रोड में, दिगंबर जैन मंदिर मैंने आपको आई साइड में बताया, और एक यहाँ पर भी है। ये रहा भाई पोस्ट ऑफिस नवादा का, हॉस्पिटल रोड में ही पड़ता है पोस्ट ऑफिस नवादा का, ये देख सकते हो गेट है नवादा पोस्ट ऑफिस ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये रहा इंदिरा चौक, और इंदिरा चौक ये हुआ तो यहाँ पे मेरे ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन जाता है स्टेशन रोड, और जिधर से मैं आया ये जाता है हॉस्पिटल रोड, और आपको सामने दिख रहा होगा इस साइड तो ये चला जाता है पोस्टमार्टम रोड है, नवादा का पुराना पोस्टमार्टम रोड, हालांकि इधर तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। और सामने अभी आप चले जाते जिधर से मैं बता रहा था, तो 3 नंबर स्टैंड पकड़ी वर्मा और कादिरगंज के लिए रोड चला जाता है, यही कुछ इंदिरा चौक से खास है। और यहाँ पर इंदिरा गांधी का देख सकते स्टैचू लगा हुआ है, इसीलिए इंदिरा गांधी इसका नाम पड़ा है। तो फिलहाल स्टेशन रोड के साइड बढ़ते हैं और आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि इस रोड में क्या है। इसका इसमें आपको हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक का दुकान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं नवादा स्टेशन के अंदर चलूँगा, देखते हैं नाइट में नवादा स्टेशन कैसा दिखता है। हालांकि इसके ब्लॉग में तो बना चुका हूँ, भाई को नहीं देखा तो चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, और आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भाई चैनल पर नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना यार, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट इस चैनल पर आता रहेगा। तो फिलहाल देख सकते हो नवादा का रेलवे स्टेशन का नाइट व्यू कैसा है, अपना प्यारा तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है। तो नाइट में कुछ ऐसा दिखता है, अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके फैमिली मैं पहले ही ब्लॉग बना चुका हूँ। तो चलते हैं यहाँ से 2 नंबर गेट से निकलते हैं, और देख सकते हो नाइट में नवादा का जो बैजिंग किया गया है कैसा जलता है, और यही यहाँ पर पार्किंग के लिए है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक लाइट लगाया गया है, फ्लैग देख सकते हो, और ये मेन गेट हो गया। और चलते हैं फिलहाल आगे, तो इधर 2 नंबर गेट है और 1 नंबर गेट से मैंने एंट्री किया था। अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप हेल्प करोगे तभी तो मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाता रहूँगा। तो निकलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, ये रहा राजश्री इंटरनेशनल होटल, आप लोग देख सकते हो नवादा में भी इंटरनेशनल होटल एक महामाया भी है। तो ये रहा राजश्री इंटरनेशनल चाहिए ना, क्योंकि ये चौक ही है, मैं अभी इधर से आ रहा हूँ, इधर चला जाता है स्टेशन रोड, और इधर जाता है गुल्ला रोड, और इधर जाता है मिर्ज़ापुर, और ये सामने जाता है सोनारपट्टी रोड यानी पार नवादा के साइड स्टेशन रोड गुल्ला रोड मोड़ के पास, इसका चौक का नाम है गुल्ला रोड मोड़ के पास ही ऐसे बोलते हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कुछ खास है नाइट में दिखाते हैं आप लोग को। और यहाँ से आप जा सकते हो विजय सिनेमा हॉल, अंदर हो जाता है, इधर आप मोबाइल का शौक बहुत आपको देखने को मिलेगा, विजय सिनेमा हॉल कैसा है, इधर विजय सिनेमा हॉल हो जाता है। ये रहा सोनारपट्टी रोड, ज्वेलर्स का दुकान आपको इस रोड में बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे है भगत मोबाइल शॉप, भाई यहीं से मैं मोबाइल बाय किया हूँ, काफ़ी आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन बेचते हैं। और यहाँ पे एक आपको मस्जिद देखने को मिल जाता है लाल चौक पे, जैसे ही आप स्टेशन रोड में एंट्री करोगे तो
भाई अभी मैं आ चुका हूँ लाल चौक पे। यहाँ भी रुक के मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ, बताता हूँ यहाँ से आपको क्या नज़ारा है लाल चौक का। भाई सीधा चले जाओगे इधर मेन रोड पे, आप सीधा जा सकते हो प्रजातंत्र द्वार के साइड, और ये सीधा मुस्लिम रोड जाता है, और ये सीधा चला जाता है पार नवादा, और जिधर से आया है तो स्टेशन रोड जाता है। तो लाल चौक है ये नवादा का, मैं कहा नवादा का मछली हाट से बोलते हैं यहाँ पे। और आपको सामने बहुत ही बड़ा बिल्डिंग दिख रहा होगा, तो भाई ये नवादा का बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार मॉल बनने जा रहा है जो कि देख सकते हो। लेकिन स्पेशली मैं उसके आके ब्लॉग बनाऊंगा, हालांकि मुझे उस टाइम परमिशन मिला था, बट मैं उस टाइम मेरे पास वो कैमरा मतलब हैवी फोन नहीं था, मैं उतना बना नहीं पाया था अगर, और उस टाइम मैं रेलवे स्टेशन चला गया था, इसका भी स्पेशली ब्लॉग बनाने वाला हूँ देख सकते हो। और काफ़ी बड़ा मॉल ये बनने जा रहा है नवादा में बिग बाज़ार के नाम से, क्योंकि बिग बाज़ार बहुत ही मतलब जैसे आदित्य भी सारे डिस्ट्रिक्ट में कैसे बिग बाज़ार भी नवादा में भी होने वाला है, और बिग बाज़ार पटना में भी है और दिल्ली में भी है, सब धनबाद में है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पुल पर से बोलते हैं भाई, पुल पर से व्यू आप लोग देख सकते हो नवादा का, पुल पर नाइट व्यू कैसा है। तो ये रहा सबसे, इसके बगल में भी एक पुल था तो टूट गया, तो ये पुल लगभग बने हुए भी 8-7 साल हो गया दस साल, और इधर तो रेलवे क्रॉस करता तो अभी नाइट में दिख नहीं रहा है। और नया वाला पुल तो उस पार है, उधर मैं अभी क्रॉस करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, और यहाँ से व्यू क्या है आप लोग देख सकते हो। सामने आपको सिटी कार्ट मॉल दिख रहा होगा, यहाँ पे आते हो तो यहाँ से आपको टाटा कलकत्ता रजौली बस स्टैंड के नाम से ये जगह फेमस है, हालांकि अभी बस बहुत कम है, दिन में यहाँ पे बहुत बस रहता है। और सामने आपको सिटी कार्ट मॉल देख सकते हो आप लोग, अभी तक ओपन है, शायद 8-9 बजे तक ओपन रहता है। और सीधा रोड चला जाता है उधर अंसार नगर के साइड, और इधर चला जाता है गया रोड, तो अभी मैं गया रोड के साइड जाने वाला हूँ सद्भावना चौक। और नवादा में इलेक्ट्रिक रिक्शा से ज़्यादातर पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट का साधन है तो ई रिक्शा ही है, यहाँ का लोकल लैंग्वेज में से टोटो बोला जाता है, तो टोटो बोलोगे तो जल्दी समझेंगे, ई रिक्शा मत बोलना भाई, देखो तो बिहार से यहाँ नवादा आना बाहर बिहार में ही स्पेशली बोला जाता है टोटो। तो चलिए चल पुल पे से गया रोड में आपको ये ग्रिलिंग रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से इसको बना रखा है ग्रिलिंग पैसे लिख रखे हैं ओरिजिनल, कपल के लिए और स्पेशली कपल के लिए है, बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता फ्रेंड चिकन मेनू में जो भी आप डिशेज आप खाना चाहते हो, नीचे में होटल महाराजा पूना सब का मतलब आपको क्या बोलते हैं सू का जो कपड़े कपड़ों का शोरूम है ये सब। तो चलिए आगे चलते हैं, कि मैंने हर जगह को जो खास जगह था मैंने उसको रुक रुक के एक्सप्लोर किया है। तो भाई फिर से बोल रहा हूँ चैनल पे नहीं हुआ यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बिल्कुल मत भूलना, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना यार। और ये है गया रोड, और यहाँ से आप यदि राइट साइड से चले जाते हो तो आप नया पुल से होते हुए कलाली रोड चले जाओगे, तो हालांकि मैं रिटर्न आऊँगा तो दो रास्ते, एक यहाँ से है और एक आगे से है। तो चलिए मैं पहले सद्भावना चौक के साइड में क्या नाइट में नज़ारा है आपको दिखाते हैं। क्या संत जोसफ स्कूल जो कि बहुत ही हाईलाइटेड है मॉडर्न इंग्लिश संत जोसफ, तो ये गेट रहा संत जोसफ का, हालांकि नाइट में इतना लाइट नहीं है अंदर, रुक के थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ यार आपको। तो यहाँ पे एक महावीर की आइसक्रीम में नाइट में ऐसे लगाते हैं जैसे बर्गर किंग वाले म्यूजियम के पास लगाते हैं। तो ये रहा संत जोसफ स्कूल का गेट, आप लोग देख सकते हो। और हाँ यार मैं थोड़ा सा भूल गया, शायद पहले है ना चर्च होगा एक यहाँ पे इस साइड, यही तो रहा, ये रहा जस्ट अपोजिट में देख सकते हो चर्च है, अभी गेट पे मैं चलता हूँ, ये रहा गेट साइड में, पहले यहाँ गेट थोड़ा सा क्रॉस कर गया हूँ, ये रहा आपको चर्च दिख रहा होगा नवादा का चर्च, ईसाई भाइयों हमारे ईसाई भाई के लिए ईसा के जो मतलब मानने वाले लोग हैं तो उनके लिए चर्च ही होता है, हम लोग के लिए हिंदुओं के लिए मंदिर होता है और मुस्लिम भाई के लिए मस्जिद होता है, प्यार हमारे सभी लोग सब भाई हम एक ही है। ये रहा अपना नवादा का चर्च, हमारे नवादा में चर्च भी है मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तो सब हम लोग तो मिल के रहना यार, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा, और नकारात्मक सोच को हमें हराना है क्योंकि समाज में सोसाइटी में हल, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉल है A to Z फर्नीचर शोरूम A to Z, इसमें आपको फर्नीचर का टोटल सामान आपको मिल जाएगा। फिर मैं पहुँच गया हूँ सद्भावना चौक, नवादा का भाई प्रजातंत्र चौक के बाद सद्भावना चौक, ये दोनों भाई बहुत फेमस है। तो सद्भावना चौक पे फ्लाईओवर बन रहा है, इसका ब्लॉग तो बन चुका है, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो,
तो फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं कि सद्भावना चौक से। हाँ भाई, तो अभी मैं आ गया हूँ सद्भावना चौक। आप लोग देख सकते हो भाई, सामने विजय घी बाज़ार और वन इंडिया फैमिली मार्ट, छोटे छोटे ये मॉल है नवादा के जो आपको दिख रहा होगा सामने। और यहाँ का फ्लाईओवर जो बन रहा था उसका अपडेट तो मैंने आपको पहले चैनल पे दिया है, तो नाइट में क्या नज़ारा आप लोग देख सकते हो। ट्रैफिक यहाँ पे पिलर बन के रेडी हो चुका है और ऊपर से NH-31 को, हालांकि इसका नाम शायद NH-20 होने वाला है, तो मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मुझे कमेंट करके ये बताया था, मुझे जहाँ तक पता नहीं था, जो भी हो आगे देखते बन के जब रेडी होगा तो क्या इसका नाम पड़ता है, जो भी हो। और तो ये आप सीधा चले जाओगे रांची कलकत्ता रोड, ये है सीधा, और इधर चला जाता है जिधर देख रहे हो ई इलेक्ट्रिक रिक्शा क्रॉस कर रहा है, तो वो चला जाता है गया रोड हिसुआ, और सामने चला जाता है पटना, और जिधर रोड से मैं आया तो ये चला जाता है नवादा मार्केट। तो भाई फ्लाई ओवर का कुछ अपडेट देख सकते हो, अभी नाइट में भी यहाँ पे काम चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे वर्कर अभी चढ़े हुए ऊपर में यार, तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है फ्लाई ओवर का। और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक देख सकते हो, इतना देर में कितना ट्रक नाइट में यहाँ से क्रॉस करता है, तो काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे फ्लाई ओवर। और नाइट का कुछ नज़ारा यही है, आप लोग देख सकते हो सद्भावना चौक का। तो भाई देखो, मैं भी फिलहाल चौक पे, ये चला जाता है गया रोड और ये सीधा जाता है पटना, और ये चला जाता है नवादा मार्केट की साइड, और इधर मैंने आपको इधर बताया तो चला जाता है रांची। तो क्या नज़ारा आप लोग देख सकते हो, अभी पिलर सब बन के रेडी हो गया, ऊपर से बस ढलाई होगा, मतलब इसको ढाल दिया जाएगा, उसके बाद फ्लाई ओवर इससे बन के रेडी हो जाएगा। NH-31 फिलहाल है, NH-20 इसका शायद नाम पड़ने वाला है, तो ऊपर से निकल जाएगा। तो चलिए, यही कुछ अपडेट है नाइट में, और 4 लेन का अपडेट भी मैंने आपको दे दिया साथ साथ में, और नाइट का व्यू भी कैसा सद्भावना चौक का मैंने आपको दिखा दिया। हाँ भाई, सबसे यार मैं तो भूल ही गया, अभी यार आप लोगों को सामने देख सकते हैं यहाँ पे गणपति है, कृष्णा केक पैलेस है, और उसके बगल में ही खुला है टेस्टी नाम करके एक होटल खुला है, टेस्टी यानी कृष्णा केक पैलेस, पहले गणपति उसके बाद कृष्णा उसके बाद टेस्टी के नाम से खुला है, हाल ही में खुला लगभग 1 मंथ हुआ होगा अभी। तो आप लोग देख सकते हो तीनों होटल यहीं पर, यहाँ पर सबसे फेमस है गणपति कृष्णा, ये दोनों तो बहुत फेमस है, टेस्टी अभी शायद अभी न्यू खुला, तभी तो उसका मैं गया भी नहीं शायद इसलिए, कभी एक बार बार भी देखूँगा कभी जाकर। यहाँ पे यदि आप आते हो सद्भावना चौक पे, तो राइट साइड में आपको यदि रांची साइड का, तो आपको देखने को मिल जाएगा कृष्णा केक पैलेस, गणपति, ये सब टेस्टी एक जो होटल खुला उसका नाम है, टेस्टी मत समझना, मैं फूड का बता रहा हूँ कुछ। तो आप लोग यहाँ पे रुककर अपना कुछ खाना खाओगे तो खा सकते हो, तो मैं भूल गया था, चलिए निकलते हैं मार्केट के साइड, इधर भी मार्ट मॉल के साइड जा सकते हो, गया रोड से सीधा सद्भावना चौक से आते हो इधर साइड नवादा मार्केट के साइड, तो आपको सीधा एक रोड इधर मिल जाता है लेफ्ट साइड में, इधर से आप जा सकते हो सीधा आप महिला थाना रोड की साइड कलाली रोड पर। चलिए फिलहाल चलते हैं, नाइट का भी घर का नया पुल और भी मार्ट, ये सब जो हाईलाइटेड जगह मैं आपको दिखा देता हूँ कि नाइट फिलहाल में भी आ चुका हूँ नए पुल पे, देख सकते हो भाई काफ़ी हाइट है नया पुल पे चढ़ने के लिए, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं और आप लोग को एक्सप्लोर करते हैं। अभी इसमें पानी तो है, नदी में पानी है, और पानी नहीं भी रहेगा तो नवादा वाले से नाला काफ़ी बाहर है, तो पानी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो पानी काला है। तो भाई देखो, नया पुल पे से नवादा का नज़ारा ये रहा आप लोग के सामने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और अच्छा लगता जब ये पानी साफ़ सुथरा होता तो और अच्छा लगता। और इधर साइड में कचरे का जो पहाड़ लग रहा है ना, ये काफ़ी नवादा में फ्यूचर में जाके काफ़ी ख़राब मतलब फील होने वाला है आगे चल के। और उधर देख सकते हैं वो पहले वाला पुल जो मैंने आपको उस साइड दिखा दिया, तो पुल इधर है। हाँ भाई, तो नया पुल पे से जैसे आप नवादा मार्केट में एंट्री करोगे तो काफ़ी शॉप इधर भी ओपन होंगे, आप लोग देख सकते हैं पहले बहुत कम था इधर रिसेंटली 1 साल के अंदर। हाँ भाई, तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये रहा भी मार्ट मॉल, बस शायद सबसे पहले मॉल के रूप में मतलब यही ओपन हुआ था, देख सकते हैं ये रहा नीचे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सब कुछ, और ऊपर क्लोथ का ये सब क्या है, किड्स का वुमेन का, ये रहा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये है पुरानी बाज़ार, पुरानी बाज़ार नहीं है, और ये रहा नवादा का सब्ज़ी मार्केट, देख सकते हो नवादा का सब्ज़ी मार्केट है ये। हाँ भाई, तो दिल्ली का विजय बाज़ार, सॉरी दिल्ली का चांदनी चौक और नवादा का विजय बाज़ार, दोनों में बहुत कुछ समानता है। विजय बाज़ार में आपको हर प्रकार का क्लोथ कपड़े मिल जाएगा, किड्स का, वुमेन का, मेन्स का, सबका, और वॉच सूट सब कुछ, मतलब फैशन की लेवल की जितनी चीज़ें होती है ना
कॉस्मेटिक सब कुछ आपको विजय बाजार में देखने को मिलेगा, और इसीलिए जाना जाता है कपड़ों के लिए स्पेशली फेमस जो है फैशन के लिए। और इधर रहा टाउन हॉल, अंदर देख सकते हैं टाउन हॉल चला जाता है सब्जी मार्केट भी। और सामने रहा प्रजातंत्र चौक, आप लोग देख सकते हो नवादा का दिल, मैंने उस साइड से भी आया था आपको दिखाया था। और विजय बाजार से कैसा लुक है प्रजातंत्र चौक का आप लोग देख सकते हो। हाँ भाई, तो नवादा वालों कोई अगर बोले नवादा कैसा है तो आप लोग दिखा देना यार, कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आगे फिर से वापस प्रजातंत्र चौक पे इधर से जो जो रैंडमली हाईलाइटेड जगह था मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ भाई, एक चीज़ जो है भूल ही जाता है, सही में भूल जाता हूँ थोड़ा सा है, रुकते हैं। ये रहा नवादा का सिलेक्टरी रोड, आप लोग देख सकते हो पर्यटन चौक से जस्ट जैसे ही आप बिहार शरीफ रोड के साइड बढ़ोगे तो आपको लेफ्ट साइड में कलेक्टरियट गेट डीएम ऑफिस सब कुछ यहीं पे है, और ये पीएनबी बैंक है। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से आगे। खैर फाइनली मैं आ चुका हूँ महिला थाना रोड गांधी इंटर स्कूल रोड में, चलते थोड़ा सा निकल रही है। मैं आपको नटराज सिनेमा हॉल आपको दिखा देते हैं। हाँ भाई, ये रहा RMW कॉलेज है, RMW कॉलेज का मॉल आप लोगों को दिख रहा होगा, RMW कॉलेज। ये रहा लाइट भी लग, ये रहा नाइट का व्यू नटराज का, आप लोग देख सकते हो नटराज सिनेमा हॉल आपके सामने दिख रहा होगा। लाल चलते हैं, और तो ये जो सीधा जा रहा है भाई, ये सीधा आप लोगों को गेट दिख रहा होगा, ये है दुर्गा मंडप नवादा का। नवादा का नहीं, सॉरी न्यू एरिया का फेमस दुर्गा मंडप, तो जय माता दी। भाई ये रहा दुर्गा मंडप, और ये शिव मंदिर है न्यू एरिया का। सीधा चले जाओगे तो न्यू एरिया का मेन गेट है भाई। तो भाई लोग, मैं फाइनली पूरा नवादा का एक्सप्लोर कर दिया हूँ। नाइट में क्या कैसा, मतलब हर जगह कैसा दिखता है, दिन में और रात में बहुत डिफरेंस है नवादा में। आप लोगों ने जो नवादा मार्केट में आते होंगे तो उनको पता चल गया होगा। और जैसे कि स्पेशली मैंने बताया बर्गर किंग जो आपको दिन में देखने को नहीं मिलेगा भाई कुछ स्पेशली आपको खाना, तो वहाँ पे जरूर जाना, बाकी अच्छे चीज़ बनाते हैं वहाँ पे, कोई भी डिश आपको खाना है। तो चलिए भाई, आज के इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और आप वहाँ पे DM कर सकते हो यदि आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो। तो ये रहा विक्रम, इसका नाम है, तो ये कुछ बोलना चाह रहा है, बोल। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इसको लाइक भी, नहीं 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 ये गलत है, बोल फिर से बोल। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके बाय। तो भाई सभी को टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलता रहेगा, और उस नमूने फनी बच्चे से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलाऊंगा। तो चलिए, चैनल पे जो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।